नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। पप्पू यादव बाजार समिति आए हैं और देख सकते हैं कि क्या क्रेज है उनका। लोग सेल्फी लेने के लिए दीवाने हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, उतावले हो चुके हैं। हम कुछ युवाओं से बात करेंगे, इतना दीवानापन क्यों? दीवानापन काहे नहीं होंगे, चलिए धीरे धीरे। पप्पू यादव आगे बढ़ रहे हैं, दरअसल उनको जो यहाँ के युवा हैं उन्होंने घेर लिया है और लगातार सेल्फी ली जा रही है। हम पहले सबसे पहले साइड में आएंगे और फिर कुछ युवाओं से। क्यों इतना दीवानापन क्यों दिख रहा है? दीवानापन काहे नहीं रहेगा, क्योंकि छात्र संघ अध्यक्ष है और उन्होंने छात्र के लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता में प्याज उपलब्ध करा रहे हैं, तो उनके प्रति तो इतना दीवानापन रहेगा। सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट आते हैं, उनके लिए उनको बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। एक तो बाजार समिति में इतना ज्यादा कचरा है कि देखकर अलग से कुछ और ही फील होता है, तो सरकार को इसमें व्यवस्था करना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। लगातार पप्पू यादव के पक्ष में नारेबाजी हो रही है और जो लोग हैं देखिए अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। झलक मिल चुकी है लेकिन फिर भी उनके करीब रहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। आप बताइए क्यों इतना दीवानापन क्यों है पप्पू यादव के प्रति? मेरे जिला के हैं, मेरे जिले के हैं, जिले के हैं। ठीक है, आप बताइए। यस सर, आई एम फ्रॉम नवादा। मसीहा है, गरीबों के मसीहा। कैसे कर रहे हैं? बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोगों के लिए, जैसे कि बाढ़ में हम लोग का इतना सहायता मिला, लाइट नहीं था, बिजली नहीं था, ये आकर के हम लोगों को घर से बाहर निकाले। ये सर जैसे बता रहे हैं, देश की गरीबी इस तरह का है और महंगाई बढ़ते जा रहा है, जिससे इनकम बहुत कम हो रहा है, एक्सपेंड बहुत ज्यादा हो रहा है, गरीब तबके के लोग को इससे बहुत हानि पहुंच रही है। इसलिए इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। पप्पू यादव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए हम कुछ और युवाओं से भी बात करेंगे। देखा जा रहा है पप्पू यादव के प्रति एक दीवानापन लगातार आधे घंटे से युवाओं ने घेर रखा है। देखिए स्वाभाविक है, पप्पू यादव जी जो है एक भगवान के रूप में आज जनता के सामने आए हैं और बाढ़ जो आया था पटना में उसी टाइम से जनता के प्रति उनका जो समर्पण है, इस तरीके से हम कह सकते हैं वो भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। और हम इस माध्यम से केंद्र सरकार को भी कहना चाहते हैं कि जनता पर ध्यान दो, ये जाति धर्म में हम लोग को तुम नहीं बरगला सकता है। हम युवा हैं, हम देश के भविष्य हैं, हमसे तुम बेरोजगारी छीन रहे हो, तुम हम पे ध्यान दो, जनता पे ध्यान दो, नहीं तो फिर कहीं के तुम नहीं रहोगे। आज जो तुम बहुमत में हो तुम फिर दो पर आ जाओगे। पप्पू यादव जिंदाबाद। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? आदित्य कुमार चौधरी। कहाँ रहते हैं? पटना में ही रहते हैं। अच्छा, जन अधिकार पार्टी से जुड़े हुए? जुड़े हुए मतलब नहीं, उनके समर्थक है, उनके चाहने वाले हैं। हाँ, ये बताइए आप, स्थानीय है, यहीं पर प्याज की भी मंडी है, नासिक से प्याज यहीं पे आता है, लेकिन जब प्याज मंडी के बाहर ही 30 रुपए किलो प्याज मिलने लगे वो भी पप्पू यादव के द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए क्वेश्चन क्या पूछे, समझ? कह रहे हैं कि ये जो पहल है पप्पू यादव सस्ते दरों पर प्याज बांट रहे हैं हर दिन, क्या कहें? देखिए इसमें हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि पप्पू यादव जी जो है जनता के लिए सोचते हैं और जो है बस इतना ही हम कहेंगे कि वो जनता के लिए है, एक भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। आप तुम क्या कहोगे? लगातार मैंने भी देखा है तुम भी घेर के रखे हुए थे पप्पू यादव। मैं पप्पू यादव का बहुत बड़ा फैन हूँ। आज फैन हो क्योंकि उन्होंने जिस तरह हमारी बाढ़ के समय में भी हमारी इतनी मदद की है, क्या पुलिस और सब प्रशासन सब बहुत टाइम से हमारे इधर आ नहीं रहे थे, बाढ़ में हम लोग पूरी तरह घिरे हुए थे और जिस तरह उन्होंने हमारी सेवा की है, जो लाइट बिजली कुछ नहीं थी बाढ़ के टाइम में, लेकिन फिर भी उन्होंने पानी में रह के हम लोग की सहायता की, हमारे लिए खाना पहुंचाया, बहुत कुछ किया। आज हमारे लिए यहाँ पे आके प्याज 30 रुपए इतना सस्ता प्याज दे रहे हैं, 110 रुपया भी है पूरी जगह, 110 रुपया प्याज है और आगे जगह बहुत है, लेकिन वो हमारे लिए 30 रुपये सस्ता प्याज यहाँ बेच रहे हैं, इसलिए मैं उनका दिल से बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। चलिए जो भी यहाँ पे लोग हैं वो पप्पू यादव के फैन हैं और लगातार सबों ने मुझे लगता है कि सेल्फी ले ली होगी पप्पू यादव के साथ। ले लिया आप लोगों ने? बहुत खुश हो गया आज पप्पू यादव के साथ सेल्फी हो गया? अरे सेल्फी क्या लेंगे, फोने फोने नहीं है आपका, इनके पास फोने नहीं है, दोस्त से मांग लेते फोन। अरे दोस्त से क्या फोन, अकेले आए, दोस्त भी नहीं आया है। ठीक है, आप देखते रहिए, अन वीडियो में कुछ और भी कुछ चीजें दिखाएंगे आज बाजार समिति से। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।